अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। नहीं डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान तो हमेशा थर थर कांप रहा है, उनसे इंडिया सर ने हमेशा थर थर कांप रहा। राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर पूजा कर खाद मिली भैया। दोस्तों अभी हम गाजीपुर जिले के नवापुरा घाट आए हुए हैं। यहाँ पर अति प्राचीन दुर्गा शिव साईं मंदिर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ दिख रही होगी, पब्लिक की भीड़ है। यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जनता जनार्दन आई हुई है। 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनजर हम पब्लिक से रिव्यू लेंगे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में किसे देखना चाहते हैं। तो यहाँ देख लें, ग्वाला समाज के लोग हैं, अपना दूध वाला बाल्टा धो रहे हैं, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? पता है ना कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में साफ सबको ही अच्छा, ठीक ना। एक पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, तेल पेट्रोल का जो दाम कम चाहिए। मोदी जी नहीं कर रहे हैं क्या? पेट्रोल का भाव कहाँ बढ़ाते हैं, डीजल का भाव। अरे क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। नहीं डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान तो हमेशा थर थर कांप रहा है, उनसे इंडिया सर ने हमेशा थर थर कांप रहा। राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर पूजा कर खाद मिली भैया। तो मतलब आप मोदी जी से खुश नहीं है, मतलब किसी दूसरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अरे तो आपका पसंदीदा कोई होगा ना, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी? राहुल गांधी। अच्छा आप यादव समाज से हैं, तो अखिलेश यादव को नहीं चाह रहे क्या प्रधानमंत्री? अच्छा तो मतलब राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, कुमार, अच्छा यार वाले। अच्छा इन्होंने वही बात की, यहाँ और भी बाल्टा वाले हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम है अंबिका पाल। तो 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? भैया हम मान लीजिए 60 वर्ष के बाद बाल्टा के पेंशन गई, वही बड़ा हो प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं दे रहे। अरे विश्व में डंका बज रहा है, पाकिस्तान पत्थर कांप रहा है, डंका बज रहा है। फ्री अनाज नहीं मिल रहा है, लग रहा गुस्से में है यार। हाँ एकदम नहीं मिल रहा है क्या? ना नहीं, हम नहीं लेते नहीं। अरे योगी जी तो दे रहे हैं, 5 किलो नहीं लेते यार, लेते नहीं है। अच्छा तो आपका दूध का व्यवसाय, तो 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? जो जातिगत आरक्षण देगा उसको हम लोग बनाएंगे, हम लोग चाह रहे हैं जातिगत आरक्षण। अच्छा शौचालय बना है कि नहीं घर में? जो सरकारी अच्छा मतलब सरकार के द्वारा नहीं। अच्छा ठीक है, और यहाँ भी एक पार्टी वाले भैया हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? संजय यार, दूध का व्यवसाय करते हैं। अच्छा तो 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। तो अभी जो पता है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं, तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा काम कर रहे हैं, जो करेंगे तो भाई क्या करेंगे, वो जब सब उस समय भाजपा की सरकार है तो उसका अफजाल अंसारी हम क्या करेंगे। अच्छा तो दिल में होगा ना कि किसे प्रधानमंत्री बनाए 2024 में? प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ कर किसी को बना दीजिए। अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव को बना दीजिए, मोदी जी को नहीं बना। अच्छा मतलब इतना नाराजगी क्यों है मोदी जी से? हर काम मतलब जो कर रहे हैं सब अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन विश्व में डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, राम मंदिर बन रहा है। तो पाकिस्तान पहले से कांपती है, ठीक है। तो ये ग्वाला समाज के लोग थे, देख रहे हैं इनका क्या अपना रिव्यू रहा वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 2024 में ये लोग किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आगे भी चलते हैं, बहुत सारी भीड़ दिख रही होगी, तो वहाँ भी पब्लिक का रिव्यू लेकर आपको हम बताते हैं। एक लोग यहाँ पर सज्जन है, इनसे भी हम रिव्यू लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार प्रजापति है, मेरा प्रॉपर मैं गाजीपुर शहर से ही रहने वाला हूँ।
तो 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? 2024 में अगर प्रधानमंत्री के रूप में आप कहेंगे तो एक ही चेहरा दिखाई देता है, कौन? वो है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है कि आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो हमारे गाजीपुर में अगर विकास हुआ है तो बीजेपी के द्वारा जो सांसद हमारे रहे मनोज सिन्हा, जो यहाँ से जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए गाजीपुर में बहुत सारे काम हुए। जैसे आपका यहाँ ब्रिज दिख रहा होगा, जो रेल कम ब्रिज जो है उन्हीं की देन है, और हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये तैयार हो जाने से गाजीपुर के लोगों को बदलाव मिलेगा, ये तो श्योर है निश्चित। तो कांग्रेस जो है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए कि भारत टूटा ही कब है? क्या आपको लगता है कि भारत टूटा हुआ है? भारत टूटा नहीं है। कई सारे जाति धर्म मजहब आप देख रहे होंगे, कई सारे पार्टियों में टूटी हुई। देखिए देखिए अभी अभी तो कह रहे हैं कि हिंदू साम्राज्य बनाएंगे, पहले एक बनो, मनुष्य बनो। मैंने मनुष्य बनना सीखा। भारत रत्न के बारे में बात हो रही थी, तो भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कह दे कि हाँ यहाँ भी भारत रत्न मिल जाए, दूसरे व्यक्ति कुछ सत्ता में रहे वो बोल दे हमें भारत रत्न मिल जाए, तो ये क्या है मामला कि आप सत्ता में रहते हुए भारत रत्न की मांग करते हैं? अभी मैंने स्टेटमेंट अभी हाल में सुना था, और डिंपल यादव जी उन्होंने कहा था कि नेताजी मुलायम मिलना चाहिए, तो भाई कुछ वर्क भी तो दिखना चाहिए ना कि आपने क्या किया, भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, वो भी तो आपको बताना चाहिए, ये सारी बातें। तो जो कांग्रेस है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं? बिल्कुल देगी। ठीक है, आगे भी चलते हैं और लोगों से हम रिव्यू लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, दिन पर दिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। इन्होंने बोला कि मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण जो अवार्ड मिला है, इन्होंने बोला कि पद्म भूषण अवार्ड को देखिए नेताजी जो कि जब आर्मी के जवान जब शहीद हो जाते थे, उनकी लास्ट की जो डेड बॉडी होती थी वहीं दफना दिया जाता था, वहीं कर नेताजी का ही देन है कि जो कि आर्मी के जो शहीद हो जाए उनकी जो बॉडी है अपने उनके घर स्थान पर आए। तो इन्होंने बोला भारत रत्न क्यों नहीं मिलना, अरे क्यों मिलना चाहिए, उनका काम देखना। उन्होंने बहुत काम किया, जब बीए में 2004 में जब बीए लड़की करती थी तो उन्होंने टीवी मतलब उस समय उन्होंने वितरण किया, और मुस्लिम जो लड़की थी 12th बाद उन्होंने उनको 20,000 रुपया दिया था। इन्होंने बोल दिया कि उन्होंने क्या किया। मोदी जी की सरकार में विजय माल्या जैसे लोग भाग जाते हैं इतने करोड़ रुपया लेके, और पता ही नहीं चलता है, आराम से वहाँ बैठ के मजा लेते हैं, और ये बोल रहे हैं कि काम हुआ, क्या काम हुआ, तमाम मोदी है। और ये क्या नाम है, ये ऐसे बहुत नेता है, हमारा एयरपोर्ट भी गया प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, तमाम चीज प्राइवेट हो गया। इन्होंने बोल दिया क्या हो गया, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्या जॉब मिल रहा है, कोई कोई जॉब। बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। दो करोड़ राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर तो बन गया, वही मुद्दा था, वो चलता था, अब राम मंदिर का काम खत्म हो गया, अब राम मंदिर बन गया, अब ये चलने लगा है कि भैया अभी विभूषण शरण सिंह का चल रहा है, मैं उनके पक्ष में, वो बीजेपी के नेता है पर मैं उनके पक्ष में, उन्होंने यूपी वाले जितने भी लड़कों को उन्होंने आगे बढ़ाया लोगों को, तो मैं उनके साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो तो बोली थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या आपको नौकरी नहीं मिला? 2 करोड़ का हालत, 1 लाख मिल जाए वही बहुत, 2 करोड़ मतलब आप मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? मोदी आप चेहरा बदलना चाह रहे हैं? 2024 में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, जवाब है, वो घर घर जा रहे हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं, जो ठेले वाले हैं उनके लोग अपनी बात रख रहे हैं, और लोग उनको पप्पू बनाने में कितना करोड़ रुपया लगा दिए। तो अच्छा ये बताइए 2024 में जो कांग्रेस बीजेपी से फाइट कर पाएगी? बहुत लाजवाब, मतलब 50-50 का टक्कर रहेगा, क्योंकि और सब लोग को मिलके भी इसमें लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, टक्कर लड़ा।